तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सअप को हम कैसे व्हाट्सअप की आईडी हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच रहे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों आपने सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ये देखिए दोस्तों मेरी व्हाट्सएप है। दोस्तों आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है और एक्सेप्ट करना है। दोस्तों ये अभी इंस्टॉल हो रही है। मैं आज ये देखिए दोस्तों ऊपर बता रहा है इंस्टॉल, दो मिनट एक दो सेकंड मांगेगी फिर हो जाएगी। दोस्तों दोस्तों ये लाइक ही है। दोस्तों ये अभी डाउनलोड हो चुकी है, इंस्टॉल हो रही है। दोस्तों ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। ये दोस्तों इंस्टॉलिंग वेरीफाई हो रही है। सॉरी दोस्तों मोबाइल बंद हो गया था। ये देखिए दोस्तों इसकी तस्वीर। तो दोस्तों जो कि ये हमारी व्हाट्सएप इंस्टॉल हो चुकी है, दोस्तों हम यहाँ से ओपन करेंगे। दोस्तों यहाँ से एग्री एंड कंटिन्यू हम उसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान दोस्तों यहाँ पे वो नंबर मांग रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपने अपना नंबर देना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ से वो पूछ रहा है आपका नंबर ओके, तो यहाँ से ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पर अभी एक कोड आएगा। तो दोस्तों ये अभी मेरा कोड आएगा जो मैंने अभी लगाना है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। तो दोस्तों यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। इंस्टॉलिंग दोस्तों हो रही है, प्लीज़ वेट। तो दोस्तों ये हमारी व्हाट्सएप बिल्कुल तैयार है। दोस्तों यहाँ से आप अपने दोस्त को कोई अपनी तस्वीर पिक जो भी सेंड करना हो कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमारी व्हाट्सएप बिल्कुल तैयार है। ये देखिए दोस्तों यहाँ से अपना आप वॉइस मैसेज किसी को भेज सकते हैं, अपने दोस्त फ्रेंड को। दोस्तों यहाँ से आप टाइप कीबोर्ड से लिखकर भेज सकते हैं। दोस्तों पिक सेंड करनी हो तो आप यहाँ कैमरे को क्लिक करें और इनमें से जौन सी मर्जी आप पिक सेंड कर दें, जौन सी आपने सेंड करनी हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी मालूमात दूसरे लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। शुक्रिया।